हेलो इंडिया, आप सभी का स्वागत है। मैं सैयद मोइनुद्दीन, हमेशा की तरह आप लोगों के सामने। आज आप लोगों के सामने एक और मैं वो अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आया हूं, जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की ओर से ही है। और ये नए प्रोजेक्ट का नाम है यूटेरा। तो चलिए, ये यूटेरा प्रोडक्ट क्या है या फिर प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और साथ ही साथ ये किस तरीके से हमें और आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ ये पूरी दुनिया के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद और फायदे लेकर आ रहा है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट दोनों ही है। बहुत ही ध्यान से सुनिए और इसके फायदे सुनकर आप मतलब एक आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यूटेरा प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि यूटेरा क्या है। तो ये है हमारा यूटेरा, एक स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज कंपनी की ओर से ही एक नया एक और प्रोजेक्ट है, जो कि इसको लॉन्च किए हुए कोई 2-3 महीने हुए हैं, और SWC स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के आपके बैक ऑफिस में भी ये ऑलरेडी विजिबल हो चुका है। ये लॉन्च करने का सबसे बड़ा मकसद हमारा ये था, क्योंकि अभी जो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का जो यूज का जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल स्टेज पर है, इसीलिए हम लोग अभी एक ग्रीन और इकोलॉजी इनोवेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक दुनिया की जो एक कम्युनिटी है और ह्यूमैनिटी है उसको एक नए डिस्कवरीज के लिए तैयार करना है, और साथ ही साथ एक इकोलॉजी की चीजों की और हमें दुनिया को उस तरफ लेकर जाना है, जो कि आर्थिक समस्याओं का भी एक समाधान बहुत ही जल्द बनने वाला है। तो यहाँ पे एक और चीज है, सॉइल डिसर्टिफिकेशन। एक सबसे बड़ा एक एक्यूट प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में आज के वक्त में, तो उसको भी सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे क्या है, ये जमीन जो है बहुत ही एक रासायनिक पदार्थों को एक्सपोज होने की वजह से उसके अंदर जो हमें फायदेमंद जो एलिमेंट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे से, जिसकी वजह से जो जमीन में जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन पे बहुत ही ज्यादा गहरा असर हो रहा है, और साथ ही साथ ये लाखों करोड़ों और अरबों खरबों लोगों की जिंदगी पे बहुत ही बुरा असर डाल रहा है पूरी दुनिया में। तो ये जो यूटेरा का जो प्रोजेक्ट है, ये SWC पार्टनर्स को एनाटोली यूनिट्स की जी ने ही खुद से इंट्रोड्यूस किया है, और उसके बारे में इन्होंने प्रेजेंट किया है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं अब तक इसके बारे में जान के बहुत ही एक हैरान और आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी अच्छे से किस तरीके से काम करता है। तो चलिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो यूटेरा का जो प्रोजेक्ट है, ये दुनिया भर के जो एक जो मैं जैसे कि मैंने बताया कि एक्यूट प्रॉब्लम है, जो जमीन बंजर जमीन और एक मरी हुई जमीन को किस तरीके से उसमें हरियाली उगाया जा सकता है, उसके बारे में हम जानते हैं। हम इस प्रोजेक्ट पे 5 साल से ज्यादा बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, साइंसदान और इंजीनियर्स मिलकर इसको डेवलप करने के पीछे मतलब अपनी मेहनत लगा रहे हैं। ये यूटेरा बायोह्यूमस और सॉइल एलिक्सिर जो है जमीन को क्या बोल सकते हैं, मरने से या फिर बंजर होने से बचाएगा, स्पेशली जो हम खेती बाड़ी जैसे कि कहते हैं उस वाले फील्ड में। कई बार होता है कि एक खेत में आप एक ही तरीके की खेती उगा सकते हैं, बाकी दूसरी चीजों में उगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो वो जो डिके होता है, जो जमीन के अंदर जो अच्छे एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं केमिकल्स वगैरह की वजह से, इधर उधर का पानी वहां पे डालने की वजह से। तो इस पे जो अभी तक इस पे जो एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आए हैं इस इनोवेशन में डेवलप करने के लिए और भी अच्छे तरीके से, जो कि एक मरी हुई और बंजर जमीनों के ऊपर इसको टेस्ट किया गया है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है ये दोनों चीजों में, यूटेरा बायोह्यूमस और सॉइल एलिक्सिर। तो ये जो है पूरी दुनिया के हमारे मतलब पूरे भूगोल में 105 रीजन मतलब जगहों से वर्जिन सॉइल उसको कहते हैं, जहां पे किसी भी तरीके का उत्पादन नहीं हुआ, ना ही उस जमीन पे किसी भी तरीके की कोई किसी भी तरीके का काम हुआ है, बेसिकली उसको वर्जिन सॉइल कहते हैं। तो ये 5 कॉन्टिनेंट से और 105 अलग अलग जगहों से मतलब पूरे भूगोल में चुनकर ये रिवर बैंक्स स्पेशली बैंक्स उसको कहते हैं, जो नदी के किनारे जो होते हैं उसको बैंक्स कहते हैं, तो वैसी जगहों की मिट्टी को लेकर इसको यूटेरा प्रोडक्ट को बनाया गया है। और यूटेरा प्रोडक्ट जो है ये दोनों जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि घरेलू
जो सब्जी वगैरह उगाते हैं, जो छोटे मोटे पॉट्स, हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, धनिया, ऐसे बहुत सारी चीजों में, तो वैसी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बड़े पैमाने पर, जैसे कि बहुत ही बड़े बड़े स्तर पर खेती बाड़ियां होती हैं, उस जगहों पे भी इस यूटेरा प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अभी तक जो स्टडीज है वो इस चीज में, यहाँ पे इस चीज को प्रूव किया है कि ये सॉइल एलिक्सिर और बायोह्यूमस, यूटेरा बायोह्यूमस और सॉइल एलिक्सिर को इस्तेमाल करने से खपत में जो है, मतलब सॉरी इसमें उत्पादन में जो है 35 से 50% तक इसकी बढ़ोतरी देखी गई है। और साथ ही साथ ये जमीन के अंदर जो मौजूद नाइट्रेट्स और रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं, उनको कम करके जमीन की जो अच्छे एलिमेंट्स होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनको बढ़ाने में भी ये मददगार साबित हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक बनाने में हम एज ए इंडिविजुअल, हम एज एक आम आदमी, इसकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट को एक एम्बिशियस आइडिया के तौर पर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 20 मिलियन USD। तो ये अमाउंट जो है इसमें इस्तेमाल किया जाएगा फैक्ट्री बिल्ड, कारखाना बिल्ड करने में, और साथ ही साथ इसके अंदर ये प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए काम इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि स्पेशली सॉइल एलिक्सिर है। तो इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए जो वक्त और जो पैसा है वो एक लिमिटेड तौर पर है। एक बार $20 मिलियन हमारे पास आ जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएंगे $20 मिलियन, तो हम कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद इसमें आप निवेश करने का, या फिर ये सुनहरा और अनोखा मौका इस्तेमाल करने का मौका अपने हाथों से खो देंगे या फिर गवा देंगे। तो ये अभी ये जो डिमांड जो है, इसमें जो इनोवेटिव और इसमें इन्वेस्ट करने का जो डिमांड है वो आपके हाथों से निकल जाएगा। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में फंड करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम और लिमिटेड पैकेजेस हमारे पास मौजूद हैं। एक बार जैसे कि $20 मिलियन हमारे जो एक जरूरत का पैसा जो है वो एक बार इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और निवेश करने का आपका अनोखा और सुनहरा मौका वो आपके हाथों से निकल जाएगा। उसके बाद डिमांड जैसे कि मैं इसमें इनोवेटिव इन्वेस्टिंग इन एन इनोवेटिव, और उसके साथ ही साथ जो डिमांडेड जो प्रोडक्ट है वो आपके हाथों से निकल जाएगा। इसमें हाल फिलहाल में हमारे पास इतने डॉलर्स में इतने सारे पैकेजेस अभी जो है मौजूद है। ये हो सकता है 3-4 दिन पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, हो सकता है उसमें और भी कम हो जाए। $1 लाख पे के पैकेजेस में सिर्फ 4 बचे हैं, $50,000 के पैकेजेस में सिर्फ 2 बचे हैं, और $20,000 के थोड़े बहुत चार चार पांच पैकेजेस बचे हैं, और $10,000 के 73 पैकेजेस बचे हैं, $5,000 के 253 पैकेजेस बचे हैं, और $2,000 के 482 पैकेजेस बचे हैं, $1,000 के 122 पैकेजेस बचे हैं, और $500 का जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इससे पहले डायरेक्टली $1,000 का पैकेज हमारे पास मौजूद था, ये $500 का पैकेज भी हमारे पास मौजूद है, और आपको इसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। $500 के पैकेजेस जो है वो 2,930 पैकेज मौजूद है। ये जैसे कि मैंने कहा कि ये 3-4 दिन का पहले का डेटा है, तो हो सकता है ये पैकेजेस और थोड़े रिड्यूस हो गए हों, या फिर इनमें से कुछ पैकेजेस खत्म भी हो गए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसमें आप जल्द से जल्द एक पैकेज लेके अपने लिए रख लीजिए। तो इस प्रोजेक्ट को और इस प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले जो साइंसदान हैं वो इंजीनियर कौन है? वो इंजीनियर वही हैं जिन्होंने यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में यूज का एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल फाइनल स्टेज तक पहुंचाए थे। डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स की यूदयोदोविक इनका पूरा नाम है। ये एक इंजीनियर हैं, इन्वेंटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, साइंटिस्ट हैं और बिजनेसमैन भी हैं। इन्होंने अब तक 140 ऐसे डेवलपमेंट्स किए हैं जो कि आने वाले दिनों में आने वाले पीढ़ी के लिए एक नए नए रास्ते खोल देंगे। तो इन्होंने उतने 140 डेवलपमेंट्स ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं, और ये बहुत क्या बोल सकते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स के ये एक साइंसदान भी रह चुके हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो अब तक सिग्निफिकेंटली जो प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल हुआ है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी वो है, वो सेकेंड लेवल का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो
अब चलते हैं, अब हम जानते हैं कि जो एक अहम सवाल होता है कि अगर हम निवेश करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा और 5 साल तक हमें कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है, उसके क्या क्या अलग अलग पैकेजेस हैं करके। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रोजेक्ट को मतलब कारखाना बनने के बाद, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के 2 साल के बाद आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। और ये साथ ही साथ ये इस पे निर्भर करता है कि आपने किस तरीके का इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। ये जैसे कि इंस्टॉलमेंट है या फिर वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आपको 30 से लेकर 50% तक इसका नेट प्रॉफिट आपके खाते में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये डिपेंड करता है आपके निवेश के ऊपर। तो उसके बारे में तो और थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि वन टाइम पेमेंट कैसे काम करता है और इंस्टॉलमेंट में कैसे हमारा प्रॉफिट काम करता है। जो एक बार हम पेमेंट करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक सर्टन ये जो प्रतिशत होता है कंपनी का, वो नेट प्रॉफिट पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने $1,00,000 का पैकेज लिया है तो आपको 55% का मुनाफा मिलेगा। $50,000 आपने निवेश किया है तो 50% का मुनाफा मिलेगा। $20,000 अगर आपने निवेश किया है तो 45% आपको मुनाफा मिलेगा। $10,000 अगर आपने निवेश किया है, ये सारे वन टाइम पेमेंट का ये बता रहा हूँ मैं आपको हिसाब किताब। अगर आपने $10,000 का निवेश किया है तो 40% आपको ये मुनाफा मिलेगा। $5,000 अगर आपने निवेश किया है तो 37% आपको मुनाफा मिलेगा। अगर $2,000 आपने निवेश किया है तो आपको 33% मुनाफा मिलेगा। $1,000 अगर आपने निवेश किया है तो आपको 28% तक मुनाफा मिलेगा। ये वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन है। इंस्टॉलमेंट में उसी तरीके से काम करता है, जैसे कि ये सारे 1 लाख पे 52% मुनाफा, $50,000 पे 47% मुनाफा, $20,000 पे 42% मुनाफा, $10,000 पे 37% मुनाफा और $5,000 पे 34% मुनाफा, $2,000 पे 31% मुनाफा और $1,000 पे 26% मुनाफा। यहाँ पे देख सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2% का ही फर्क है वन टाइम पेमेंट में और इंस्टॉलमेंट प्लान में, ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे एक और अहम सवाल आता है। नॉर्मली होता है निवेशकों को ये कई सारे सवाल होते हैं, उनमें कुछ अहम सवालों को लेकर ही हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। क्या इसमें एक्सेल शीट में अभी भी जैसे हम लोगों ने देखा है उसी तरीके से 100% मुनाफा मिल सकता है? जैसे कि मैक्सिमम अगर आपने $60,000 अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका 100% सॉरी अगर आपने $1,00,000 अगर आपने निवेश किया है तो क्या उसमें $60,000 का मुनाफा हो सकता है करके? तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं कि किस तरीके से काम करेगा। आने वाले सालों में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद हमारी जो सेल्स की टीम है, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, हमारे बैक ऑफिस बहुत सारी टीम्स वगैरह मौजूद है, उसमें पूरी पूरा जोर लगाएंगे कि हम अपने गोल को रीच कर पाए 100% प्रॉफिट, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जैसे कि अगर मैंने ₹50 किसी प्रोडक्ट पे लगाया है पूरा मतलब बनाने में, उसको मार्केट में उतारने तक लेकर, तो वो मैं उम्मीद करूंगा कि वो पूरी तरीके से वो ₹100 में बिके, ताकि वो आने वाले जो ₹50 जो प्रॉफिट है, वो ₹50 में मैं लोगों को, जितने भी निवेशक हैं उनके इन्वेस्टमेंट के या फिर निवेश के हिसाब से मैं उनको प्रॉफिट दे पाऊँ। ये इसका जो है आपको 55% ऑफ द ट्रांसलेटिंग इनटू नेट प्रॉफिट, कहने का मतलब है कि कम से कम 55% तक जो नेट प्रॉफिट होगा उसको हम ये नेट प्रॉफिट में लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड होगा। और ये नेट प्रॉफिट जो है वो निवेशकों के दरमियान में उसको बांटा जाएगा। ये फिर से निर्भर करता है कि आपने वंस वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इंस्टॉलमेंट में आपने पैकेज लिया है, उसके हिसाब से आपको मुनाफा दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं जो कि हमारे हाथों से या फिर हमारे गतिविधियों से बाहर होते हैं, कि वो उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो हमारे काबू में नहीं होते हैं। जैसे कि जियोपॉलिटिक्स और साथ ही साथ इकोनॉमिक मतलब आर्थिक व्यवस्था, ऊंच नीच होना, कई सारे वजह होते हैं उसके पीछे। तो जिसकी वजह से ये हो सकता है, ये हमारे रिजल्ट्स पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। इसकी वजह से हम पूरा पूरी तरीके से हम वायदा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना ही देंगे जितना हम लोगों ने यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरी आपकी आ, 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 आपके निवेश के हम बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं और साथ ही साथ इसको पूरी तरीके से पारदर्शक रखते हुए हम पूरी 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम अपने गोल्स को रीच करने में पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो
हाँ इसीलिए हम आपको यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और इस प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट को सक्षम करने के लिए हमारा साथ दीजिए, योगदान दीजिए और इसमें सहयोग दीजिए। तो ये यहाँ पे एक और अहम सवाल है कि कितने नंबर के प्री प्रोडक्शन शेयर्स इसमें एलोकेट किए गए हैं ईच पैकेज में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जवाब ये है कि ये कोई शेयर्स वगैरह नहीं है, एक पैकेज है। शेयर्स वो होता है कि आपने खरीदा, उसका एक सर्टन अमाउंट आपको बिजनेस चले ना चले आपको चलता ही रहता है, लेकिन पैकेजेस उस तरीके से नहीं होता। जितना पैकेज आप ज्यादा खरीद के रखेंगे, जितने कीमत का पैकेज आप खरीद के रखेंगे उसके हिसाब से आपको मुनाफा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है शेयर्स में और पैकेजेस में। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके का को ओनर या फिर किसी भी तरीके का आप एक पार्टनर नहीं बन सॉरी इसमें को ओनर नहीं बनोगे। जैसे कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी में निवेश करके आपको ये मौका मिला था को ओनर बनने का। उदाहरण पे अगर आपने यूटेरा का एक पैकेज आपने सॉरी यूटेरा के पैकेज ने यूटेरा के पैकेज को अगर आपने लेकर अपने पास रखा हुआ है तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा उसका, लेकिन आप किसी भी तरीके का ओनर नहीं बनेंगे इसमें। तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी तरीके के शेयर्स नहीं है, आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट पैकेजेस हैं। जितने ज्यादा पैकेजेस और जितने ज्यादा कीमत का पैकेजेस आप लेके रखोगे उसके मुताबिक और वन टाइम पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए आपको उसी तरीके से मुनाफा इसमें दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें स्टेज टू में क्या है, अभी फिलहाल $1 लाख पे हमारे पास 11 पैकेजेस, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। हो सकता है कुछ पैकेजेस खत्म भी हो गए, कुछ पैकेजेस को फिर से रीलोड भी किया है और कुछ पैकेजेस को थोड़ा सा डाउन जैसे कि $500 में भी रिलीज किया है। तो वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे और थोड़ा कम भी हुए हैं या फिर खरीदी जोरदार से चल रही होगी बैकएंड में। तो फिर भी मैं आपको एक ये जो डेटा है वो दिखा रहा हूँ। $1 लाख पे आपको 11 पैकेजेस के सॉरी $1 लाख के 11 पैकेजेस मौजूद हैं, $50,000 के 15 पैकेजेस मौजूद हैं, $20,000 के 19 पैकेजेस मौजूद हैं और $10,000 के 150 पैकेजेस, $5,000 के 375 पैकेजेस, $2,000 के 750 पैकेजेस और $1,000 के 1,000 पैकेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक और अहम सवाल है जो कि निवेश करने के बाद ये बहुत ही एक क्यूरियोसिटी का सवाल होता है कि साल में कितने बार वहां पे प्रॉफिट को दिया जाएगा या फिर डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए वंस ए क्वार्टर प्लान किया गया है। वंस ए क्वार्टर मतलब साल के 4 क्वार्टर होते हैं, हर 3 महीने को एक क्वार्टर कहते हैं। तो हर 3 महीने में एक बार डिविडेंड्स देने का प्लान किया गया है और इसका जो है जितने भी निवेशक हैं उनको बैक ऑफिस में एक्रुअल्स और प्रॉफिट्स के बारे में और उनके मुनाफे के बारे में उनको इत्तला कर दिया जाएगा और उनको अपडेट कर दिया जाएगा। और जो मुनाफा जो है वो आपके निवेश के प्लान के हिसाब से ही दिया जाएगा, जैसे कि आपने वन टाइम या फिर इंस्टॉलमेंट के में लिया होगा। तो ये सारे जो है चीजें इनकी गतिविधियां सारी जो है यूज कवरी रिप्रेजेंटेटिव्स आपको इतला कर देंगे आपके बैक ऑफिस में। तो एक और अहम सवाल है, तो इसमें निवेश करने का जो मौका है वो कब तक रहेगा? अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन लॉन्च करने के बाद और निवेश को बढ़ाने का जो है ये सारा उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। हम मतलब मैं और हमारी पूरी एंटायर टीम किस तरीके से काम करेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो कब तक और कितना लंबा चलेगा। तो और कितना वक्त जैसे कि कब तक मुनाफा भी देने का जो है प्लान किया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जब तक ये प्रोडक्शन चलता रहेगा मतलब मार्केट में इसकी डिमांड रहेगी और लोग इस चीज को खरीदते रहेंगे तब तक इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, तब तक आपको मुनाफा आता रहेगा। इसके लिए कोई लिमिटेड वे नहीं है, मतलब कोई लिमिटेड हम लोगों ने टाइम पीरियड सेट नहीं किया है। जब तक मार्केट में इसकी डिमांड रहेगी, लोग इसको पसंद करते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, प्रोडक्शन चलता रहेगा, तब तक वहां से आते हुए प्रॉफिट में आपको मुनाफा मिलता रहेगा। तो कुछ अहम बातें हैं उसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इसके जो मेन शेयर होल्डर्स हैं, इसके जो प्रमुख शेयर होल्डर्स हैं
वो उनके पास इस कंपनी का कितना कितना परसेंटेज, मतलब कितना कितना प्रतिशत ओनरशिप इसमें मौजूद है, भागीदारी इसमें ले रखे हैं। WIG जो कि स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का जो पेरेंट है, उस कंपनी का जो है 5% इसमें हिस्सा है यूटेरा प्रोजेक्ट में। डिस्कवरी DMCC का जो 90% इसमें भागीदारी है, और यूनिट्स की जी की 5% इसमें भागीदारी है। तो ऐसा कोई प्लान है कि ये प्रोजेक्ट और ये प्रोडक्ट जो है IPO में जाएगा, या फिर कब इसको प्लान किया गया है? तो जी नहीं, हाल फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, बट हो सकता है आने वाले दिनों में, ये वक्त ही तय करेगा। तो इस कंपनी का CEO कौन है? ये है बुगाइव एवजिनी, जो कि यूटेरा मिडल ईस्ट इंडस्ट्रीज के CEO हैं हाल फिलहाल के लिए। तो इसके जो है कितने बोर्ड मेंबर्स हैं, थोड़ा सा अगर उसके बारे में अगर हम जानकारी हासिल करना चाहें तो। जी नहीं, हाल फिलहाल के लिए इस कंपनी के की इस कंपनी में कोई भी बोर्ड मेंबर मौजूद नहीं है अभी, सिर्फ एक CEO है, वो है बुगाइव एवजिनी। तो राउंड वन कब शुरू हुआ था? ये जो हुआ था ये ऑफलाइन हुआ था, 1 सितंबर 2023 तक हुआ था, और ये सिर्फ जो है क्यूरेटर्स और रीजन के जो बड़े बड़े लीडर्स वगैरह थे उनके लिए मौजूद था। तो इस वाले राउंड में जो है पॉसिबल जो जो मुमकिन परचेजेस हुए थे, खरीदारी जो हुई थी यूटेरा प्रोजेक्ट के, जो लॉट्स हुए थे या फिर पैकेजेस हुए थे, उनको जो है 60% तक मुनाफा देने का इसमें सॉरी हासिल करने का कंपनी की ओर से मौका था, जिसमें आप लॉट्स रजिस्टर कर सकते थे। लेकिन ये ऑफलाइन हुआ था, तो जो टॉप लेवल के क्यूरेटर्स हैं, रीजनल लीडर्स या फिर मास्टर एक्सपर्ट वगैरह थे, उन्हीं के पास ये मौका गया था। तो इसका जो निवेश का जो है फंड रेजिंग के लिए, इसको 3 अलग अलग राउंड्स में बांटा गया है। हर एक राउंड में एक लिमिटेड नंबर के लॉट्स या फिर पैकेजेस इसमें रिलीज किए गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतने ज्यादा आप मुनाफा कमा पाओगे। और उसके बाद ये है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने राउंड 2 का जो फंडिंग का जो है वो हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया था। यहाँ पे जो है आप ज्यादा ज्यादा यूटर प्रोजेक्ट के लॉट्स खरीद सकते थे, वहां पे भी आपको कम से कम 60% तक मुनाफा कमाने का मौका था रजिस्टर करने के जरिए से। और जिस तरीके से आप पैकेजेस खरीदोगे वन टाइम या फिर इंस्टॉलमेंट, उसके ऊपर डिपेंडेंट था। और सेकेंड राउंड अभी चल रहा है। जी हाँ, ये जो है 13 सितंबर 2023 से लेकर ये जो पहला हफ्ता जो था राउंड 2, 27 सितंबर 2023 तक कंटिन्यूसली चला। एक्सक्लूसिव जो लीडर्स वगैरह थे, जो फर्स्ट लाइन में थे, क्यूरेटर्स या फिर रीजनल के मास्टर टॉप एक्सपर्ट, इनके जो फर्स्ट लाइन में थे, जैसे कि मैं फर्स्ट लाइन में आता हूँ, मेरी टॉप ये क्यूरेटर है और टॉप एक्सपर्ट है मिस कैट जेकर्स, उनके अंडर डाउनलाइन में मैं आता हूँ, और साथ ही साथ प्रीमियम क्लब के मेंबर्स के लोगों के लिए भी ये ओपन था 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक। तो उस फर्स्ट लाइन के स्ट्रक्चर में मैं आता था, तो मैंने एक एक दो लॉट ले रखे हैं। तो अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए फिर से, 27 सितंबर 2023 से लेकर 20 दिसंबर 2023 तक जो है ये राउंड 2 का जो प्रोसेस है, लॉट्स का जो खरीदने का सिलसिला, वो आपके पर्सनल अकाउंट, मतलब स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी पर्सनल अकाउंट में आपके बैक ऑफिस में आपको मिल जाएगा। आप अभी भी खरीद के अच्छा खासा मुनाफा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आप रजिस्टर कर सकते हैं, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट के पैकेजेस आपको खरीदने के जरिए से। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बता रहा था कि यहाँ पे इस वाले से दूसरे वाले राउंड में यूटरा के प्रोजेक्ट के आप लॉट्स या फिर पैकेजेस खरीद के आप कम से कम 55% तक कंपनी का मुनाफा हासिल कर सकते हैं अभी भी रजिस्टर करने के जरिए से। तो राउंड 3 जो है ये कब शुरू होगा? राउंड 3 जो है वो राउंड 2 खत्म होने के बाद शुरू होगा, जैसे कि मैंने बताया कि 20 दिसंबर 2023। ये तीसरे राउंड में जो है ये सभी के लिए, जितने भी बैक ऑफिस लोगों के पास है, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का बैक ऑफिस है, उन सभी लोगों के लिए ये यूटेरा में निवेश करने का और एक अनोखा और सुनहरा मौका का अभी भी फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। इसमें हर कोई निवेश और निवेश कर सकता है। तो तीसरे राउंड में, तो यहाँ पे जो है जो तीसरे राउंड में जो बंदे निवेश करके पैकेजेस खरीदेंगे या फिर यूटेरा प्रोजेक्ट के लॉट्स खरीदेंगे, उनको जो है 50% तक कंपनी का मुनाफा हासिल करने का मौका मिलेगा इसमें रजिस्टर करने के जरिए से। तो
ये है हमारा बायो सस्टेनेबल सस्टेनेबल बायोस्फीयर क्लस्टर, कुछ इस तरीके से दिखेगा आने वाले दिनों में। अगर बंजर जमीन वगैरह भी है तो आप घर के अंदर भी कुछ इस तरीके का माहौल बना सकते हैं। मतलब ये तो सिर्फ एक डिजाइन है, कहने का मतलब है कि आप इस बायो ह्यूमस और यूटेरा सॉइल एलिक्सिर और बायो ह्यूमस, इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके आप घर के अंदर भी अच्छी खासी हरियाली लगा सकते हैं, या फिर सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं, फल फ्रूट सब्जियां वगैरह भी उगा सकते हैं, और साथ ही साथ एक बड़े स्तर पे, एक स्टेट लेवल पे, राज्य के स्तर पे, बड़े पैमाने पर भी आप खेती बाड़ी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल और ये है हमारा टाइमिंग, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारी ऑफिस खुली रहती है। आप किसी भी तरीके का सवाल करके उसके जवाब हासिल कर सकते हैं, उसमें निवेश करने के लिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके के सवाल हैं तो आप उसमें अपना सवाल रख कर जवाब हासिल कर सकते हैं, या फिर info@uterra-swc.com के ऊपर मेल लिख के भी आप अपना जवाब हासिल कर सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया के जरिए से भी यूटेरा के इसमें जाकर VK करके एक ऐप है, सोशल मीडिया ऐप, वहां पे भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़कर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि ये एक आपकी जिंदगी में एक और दूसरा मौका एनाटोली यूनिट्स की जी लेकर आए हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करिए, अपना योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए। ये हमारे साथ साथ, हमारे भविष्य के साथ साथ, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए, इसमें हाईली डिमांडेड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में निवेश करने के जरिए से एक हाई क्वालिटी परसेंट सॉरी हाई प्रतिशत का प्रॉफिट भी, मुनाफा भी हम हासिल करें, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा है। आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं सैयद मोइनुद्दीन आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ, और साथ ही साथ मुझे इजाजत दीजिए। शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।